हमारे को तो बकायदा पिस्टलें भी लूट हुई है, लोगों ने गले तक निकाल लिया। रिएक्शन में ऐसा होता है, रिएक्शन होता है फौरन, मैंने आपके साथ किया फौरन भागना मैंने। ब्लॉग भाई यूनुस के लिए ये मैसेज है कि भाई चैनल को बहुत ज्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, जितना प्यार आप लोग दे सकते हैं उतना दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सारा, मतलब बहुत सारा, बहुत सारा मौजूद है बट यूनुस मौजूद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? चले गए, कहाँ चले गए आप लोग, खुद ढूंढिए, मुझे नहीं पता, नहीं मिल रहा है मुझे भाई। यूनुस यहाँ भी नहीं है, यूनुस यहाँ भी नहीं है, कहाँ है यूनुस? ये बैठे हुए क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ आज नहीं, मैं बताती हूँ, आप बताइए भाई। आपके सामने है बहुत ही बड़े, बहुत ही मशहूर, जबरदस्त ब्लॉगर, ये नहीं जिनके साथ ये बैठे हुए। हाँ, ये आपने सही कहा, मैं आज उन शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिनका तारुफ मैं आपको अल्फाजों में नहीं कर सकता। ठीक है, आपको उनसे मिलवाते हैं, वो हंसते हंसाते दुनिया को आजकल बहुत हंसा रहे हैं, वो तो दिखाते हैं रिजवान। अपने लिए खुद क्लैपिंग कर रहा हूं, बंदे का मैं, बंदे का मैं रिजवान सर। वालेकुम सलाम, कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए तबीयत ठीक है? आप ही, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाई, सबसे पहले तो देखिए आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को हंसाना, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे अंदर जो टैलेंट है ये अल्लाह पाक की तरफ से मुझे दिया हुआ, तो आप लोगों के सामने एक्टिविटी कर देते हैं कुछ उल्टी सीधी सी तो आप लोग हंस जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, तो हमें भी खुशी होती है, क्योंकि आजकल हमारे जो जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, इमोशनल है, सैड है, किसी के साथ कोई मसला, किसी के साथ कोई मसला, तो हम चाहते हैं कि अगर वो हमारी 5-10 मिनट की वीडियो देखता है तो वो मुस्कुराए और हंसे, क्योंकि पूरे दिन की जो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अगर हमारे 5-10 मिनट वीडियो देखने की वजह से वो अगर दूर हो जाती है तो इससे बड़ी और क्या वजह। क्या बात, जब मैं रिजवान की जर्नी के बारे में, रिजवान से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जर्नी बताएं, शुरू से का शुरू कैसे किया और कैसे आपके दिल में ख्याल आया यूट्यूब से आने का, तो हम रिजवान की जबानी सुनते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वाह वाह वाह, काम करते हैं और हंसाते हैं लोगों को। खैर सर जी, ये अभी से नहीं तकरीबन 10-11 साल हो गए इस काम को जो हम कर रहे हैं, प्रैंक्स कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, और लाइक साइलेंट वीडियो जिसमें कोई आवाज नहीं है उस पर भी हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो 4-5 प्रोजेक्ट चल रहा हमारा, जिसमें नंबर टॉप पे जो हमारा न्यू टैलेंट है, न्यू टैलेंट है बिल्कुल, ठीक है, वो कर रहा है, उसके अंदर काफी सारे हमारे कैरेक्टर, पूरी टीम काम कर रही है जिसमें नौमान भाई हमारे जो इसमें ऑनर है, और जुबैर भाई होते हैं, तैमूर भाई होते हैं, पूरी टीम है, मतलब पूरा एक टीम वर्क चल रहा है, 8-10 बंदे काम कर रहे हैं उसमें, तो उसी प्रोडक्शन के अंदर, न्यू टैलेंट की टीम के प्रोडक्शन के अंदर, और 4-5 चैनल और है, फास्ट लाभ है, देसी कॉमेडी है, एक्स्ट्रा टैलेंट है, और शॉर्ट मतलब मूवीज के कहले आपको, माशाल्लाह 8-10 चैनल आप लेके चल रहे हैं, वो अभी हाइड है, अभी हाइड है, वो सामने नहीं है, उसके पीछे काम चल रहा है, वो जब वीडियोस उसकी जमा हो जाएंगी वो लोगों के सामने आ जाएगा। अच्छा रिजवान, कभी ऐसा भी मुश्किल पेश आती है आपको, आप घर से निकलते हैं, ठीक है मतलब लोगों का मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे उनसे क्या लेना देना, मैंने अपना काम करना है। असल में मैं आपको सच बताऊं, इंसान बनता ही नेगेटिविटी की वजह से ही है, ये बिल्कुल ठीक है, आपको लोग नेगेटिव करेंगे ना, नेगेटिव करेंगे, आप अगर दिल पे लेंगे तो आप बैठ जाएंगे, आप उनको जवाब देना चाहेंगे तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि काम से जवाब दें, किसी को भी देना है, जबान से नहीं, जबान हर किसी की चलती है, मेरी भी आपकी सब जितने लोग बैठे सबकी चलेगी, लेकिन जवाब हमेशा दें काम से, बस। अच्छा रिजवान, ये बताइए कि कॉमेडी के ही शोबे में क्यों चूज किया आपने? कॉमेडी मैंने क्यों चॉइस किया, आप ये कह रहे हैं, कॉमेडी इसलिए मैंने चूज किया कि हमारे मुल्क में आपको पता है, वैसे ही मैंने आपको पहले ही उसमें कहा, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा लोग सैड उदास, बहुत ज्यादा गम में होते हैं, तो इसलिए लोगों को आज के दौर में हंसाना सबका मुश्किल काम है, तो जो सबसे मुश्किल काम है वही मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, आजकल स्ट्रेस डिप्रेशन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे, आपकी वीडियो से मैं भी आपकी वीडियो देख के हंसता हूँ, मेरे बच्चे सारे बच्चे भी। सर ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, बहुत अप्रिसिएशन है कि आप मेरी वीडियो देख के हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। ऐसा कहा जाता है जो ज्यादा हंसता है लोगों को हंसाता है वो उतना ही ज्यादा गमगीन होता है, आपके साथ ऐसा मामला तो नहीं है? देखिए रियलिटी है, हर बंदा हंसता भी है, हर बंदा रोता भी है, तो अगर मैं लोगों को हंसाता हूँ तो अगर मेरे दिल में क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, वो मुझे अंदर ही रखनी पड़ती है, मैं जितना भी उदास हूँ, सैड हूँ, जितना भी डिप्रेशन में हूँ, लेकिन अगर मेरा काम लोगों को हंसाने का है तो मेरी जो सैडनेस है वो मेरे अंदर ही रहेगी, वो सामने जाहिर नहीं होगी आपको,
क्योंकि एक काम मैंने अपने जिम्मे लिया हुआ, तो अगर मैं भी उदास हो जाऊंगा तो सारे उदास हो जाएंगे ना, फिर फायदा क्या। ये बात तो ठीक है। आपके हमने जो प्रैंक देखे हैं, कभी आप किसी का जूता लेके भाग जाते हैं, कभी आप किसी के बाल काट देते हैं, कभी आप किसी के शैम्पू डाल देते हैं, डाल देते हैं बाल, तो ये स्क्रिप्टेड होते हैं या उसी वक्त आप आइडिया लेते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, रिएक्शन ओरिजिनल होते हैं सारे, कुछ चीजें प्लान करके भी होती है, जैसे प्रैंक कुछ ऐसा होता है कि जिसमें हमें लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो हम उसको बता के भी कर देते हैं, इसमें कोई देखे मसला नहीं है। लाइक हमारा मोटिव ये होता है, सामने जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एंटरटेन करना, ठीक है। अब WWE चैंपियनशिप टोटल 100% फेक है, लेकिन देखते हैं, हम भी देख रहे हैं भाई, हमें भी पता है फेक है, लेकिन देख रहे हैं, वॉच पूरा दे रहे हैं उनको। ड्रामा, फिल्म, हॉलीवुड, बॉलीवुड सब स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन हम स्टोरी अच्छी होती है तो उसको देखते हैं। तो बात ये कि एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट को एंजॉय करें, बस ये ना देखें कि वो फेक है रियल, इस चीज में ना फंसे भाई, एप्रिशिएट करना सीखें, बदला ये बोले एप्रिशिएट करना। अभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि प्रैंक किया हो किसी के साथ आपने और वो रॉन्ग हो गया हो, वो आपके उल्टा गले पड़ गए हो लोग? बिल्कुल ऐसा हुआ है, हमारे को तो बकायदा पिस्टलें भी लोड हुई है, लोगों ने गले तक निकाल लिया। रिएक्शंस में ऐसा होता है, क्योंकि रिएक्शन होता है फेक, फौरन मैंने आपके साथ फौरन भागना है मैंने, क्योंकि अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो मेरी कुट लगनी लगी, कुट लगनी है, बिल्कुल ऐसे ही पिछला जा रहा है, बिल्कुल बहुत चमाटे पड़े हैं, लोगों ने उठा उठा के फेंका दिया, फुटबॉल बना दिए, कपड़े फाड़ दिए, लेकिन खैर एंड द एंड मकसद ये होता है कि यार अगर हम दो चमाट खा रहे हैं, आवाम को अगर हंसी आ रही है तो इसके लिए खैर, आवाम को हंसा रहे हैं बस। किस चीज से आप मुतासिर होके, किसी यूट्यूब वीडियो से मुतासिर हुए, प्रैंक्स करने पे कैसे आए? भाई बचपन से चुलबुलापन था अंदर, एक ऐसी होती है एक्टिविटी होती है कि हर चीज में पंगेबाजी करनी है, तो वो जो बचपन में करते, असल में मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, मुझे बचपन में कोई अपने साथ खिलाता नहीं था, जैसे लाइक क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गया, कोई भी गेम होता नहीं यार तुम्हें लेंगे हम हार जाएंगे, कच्चे प्लेयर हो तुम्हें लेंगे तो हम जीतेंगे थोड़ी। अब वही चीजें सोचते हुए घर जाता था, और मैं उल्टी सीधी एक्टिविटी कर रहा होता था, शीशे के आगे खड़ा होकर, कोई आज वो मेरे वो सारी चीजें मेरे काम आ रही है, जिन दोस्तों ने जिन लोगों ने अपने साथ बैठाया नहीं, आज वो अपने साथ बैठा भी रहे और कह रहे हैं मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता अभी भी, मतलब मैं खेलता हूँ, बैटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन आज मुझे पता है कि मैं प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन आज मैं क्रिकेट टीम में होता हूँ, क्रिकेट टीम में होता हूँ। वो वीडियो मैंने भी देखी है आपकी, जब आप घर से निकलते हैं, अभी माशाल्लाह आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, दुनिया आपको, आप बड़ा कह रहे हैं, मैं अपना नहीं, नहीं, है, है, ये मोहब्बत जानते हैं आपको, लोग मोहब्बत करते हैं, तो घर से निकलते हुए क्या रिएक्शन मिलता है लोगों का? बहुत पॉजिटिव रिएक्शन होता है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, सेल्फीज, और अभी भी आप बैठे हुए थे सर, आपने देखा होगा अभी भी गिफ्ट आया मेरा, फैमिली अभी मुलाकात कर गई है, तो लोगों का समझ लेके 90% पॉजिटिव रिएक्शन है, अगर नेगेटिव है भी 10% तो आई डोंट केयर। ये बात बहुत अच्छी की, आई डोंट केयर। अच्छा रिजवान ये बताइए कि, नहीं अब नहीं बता रहा मैं, अरे कब तक सीरियस चल रहा है, कॉमेडी होनी चाहिए। ये बताएं कि आपके जो कमेंट्स आते हैं, माशाल्लाह बहुत कमेंट्स आते होंगे आपको, जी उसमें पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव को कैसे हैंडल करते हैं आप? नेगेटिव देखने छोड़ दिए, नेगेटिव होता क्या है मुझे पता ही नहीं, अगर नेगेटिव कमेंट्स देखूंगा तो मैं फिर काम नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे लिए फजूल है, क्योंकि वो लोग बैठे हुए जिन्होंने कीवर्ड सर्च किया हुआ, उनका काम ही यही है नेगेटिव करना। जिसने कुछ नहीं किया जिंदगी में उसने नेगेटिव कमेंट किए, ये बात तो मैंने काम करना है, मेरा फोकस काम पर होता है, मैं करता रहूंगा, वो नेगेटिव करें या कुछ भी करें मुझे फर्क ही नहीं पड़ना, तो दोबारा करते रहे नेगेटिव, करते रहे नेगेटिव। हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आपने शादी की है अभी? शादी की तो नहीं है अभी, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अभी हंसता मुस्कुराता हूं, आपको अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा मैं कान में एक बात बोलता हूं, थोड़ा टाइम लगाना भाई, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, मैं आपको सच में बताऊं, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा हंसना है, ये बात आपने मुस्कुराना है, जिंदगी को जीना है, एंजॉय करना है, अभी जब होगी देखा जाएगा। रिजवान आपके लिए एक शेर है, जिनको ढूंढते थे हम जमाने में, जिनको ढूंढते थे हम जमाने में, वो मिले अहसान के मैखाने में। वाह वाह वाह, अहसान भाई आ जाओ, अहसान भाई, मैं सच बताऊं यही खड़े हुए थे, अहसान भाई कैसा लिखा गया भाई, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू रहा, आप बिजी थे वरना आपको भी साथ बैठाते हैं, आप थोड़े से काम में मसरूफ थे, बहुत जबरदस्त रहा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, आप किसी भी मिलकर अच्छा लगा, थोड़ा सा अंदर हो जाए, आप फ्रेम में नहीं आ रहे, माथे इशारा कर रहे हैं डायरेक्टर, और बताएं कैसे असर ओके हो गया? बेहतरीन इंटरव्यू दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, नहीं आप लोगों की मोहब्बत है, अहसान भाई की मोहब्बत है,
कि ये हमें इतनी मोहब्बत दे देते हैं, बुला लेते हैं, प्यार दे देते हैं, मतलब कौन किसको पूछता है आजकल के दौर। आजकल टाइम की बहुत कमी है लोगों की, इसीलिए तो मैंने बोला आपने बहुत कीमती टाइम। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, अगर ये सब समझ जाए तो। हमारे देखने वालों को कोई एडवाइस करेंगे आप? एडवाइस ये देना चाहूंगा, प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, अखलाक बांटे, काम करें, मुस्तकिल मिजाजी से काम करें, सही डायरेक्शन में काम करें, हर बंदा कामयाब होगा, ये मेरा वादा है। अल्लाह पे भरोसा रख के 100% सब कामयाब। अच्छा, ब्लॉग भाई यूनुस के लिए मैसेज है। ब्लॉग भाई यूनुस के लिए ये मैसेज है कि भाई इस चैनल को बहुत ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जितना प्यार आप लोग दे सकते हैं उतना दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये वीडियो जब ये इनके प्लेटफॉर्म पर डलेगी तो इतने लाइक कमेंट होने चाहिए कि ये वीडियो मुझ तक खुद ही पहुंच जाए, आपको शेयर ना करनी पड़े मुझे। ये बात है ना, ये मुश्किल आप लोग पहुंचाएंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रिजवान, थैंक यू।